नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ के 150वें वर्ष के अवसर पर स्वर्ण शताब्दी वैदिक धर्म महासम्मेलन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रामनाथ चौधरी शोध संस्थान वाटिका वाराणसी में आयोजित किया गया। 3 दिन चले इस विशाल कार्यक्रम में लाखों आर्य समाजी देश विदेश से सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सिक्किम के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद उपस्थित हुए। वहीं बागपत से सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। देश भर से आए अनेकों गुरुकुलों के छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल हुए। शोभा यात्रा में सभी आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के संदेश कृणवंतो विश्वमार्यम अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ का प्रचार कर रहे थे। इस दौरान सभी के मुख पर एक ही स्वर गुंजन हो रहा था, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट।